और हल्का सा मैं जाके छक्का मारूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रात को चूटियां वूटियां ना आ जाए। बहुत मजे के बनाता है ये बंदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम सबकी उम्मीद है सब खैरियत से और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई क्या हो रहा है? जस्ट जो है वो शाम हुई है और बस थोड़ा सा मसरूफ़ थी, इस वजह से व्लॉगिंग जो है वो अभी स्टार्ट करी है। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है आज? जैसा कि जो है वो बच्चों का ऑफ है और माशाल्लाह से बच्चे जो है ना फुल मस्तियों में लगे हैं और पढ़ाई तो इसे कहना चाहिए ना, खोलना इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा जो है ना वो क्राइम है अगर किताबें खोल लेंगे तो। और कल इत्तेफाक से इन लोगों का जो पेपर जो चल रहे हैं उसका गैप है तो कल का भी ऑफ है, देन फ्राइडे को जो है वो बच्चों का पेपर है। तो मैं जस्ट अभी बस चाय बना रही थी तो आए जरा चाय को चेक कर लूँ, पता चला चाय नहीं गिर जाए। मैं बनाऊंगा बस, अभी फिलहाल जो है वो चाय बना रहे हैं, चाय का टाइम है तो मैं सोचा कि चाय बना ले। तो मगरिब के बाद जो है वो फटाफट चाय बनती है, आप लोगों को पता ही तो हर घर की कहानी है। और आज सुना में आ रहा है कि हीट स्ट्रोक था, लाइक जब मैं सुबह सो के उठी हूँ तो इतनी गर्मी कि आज तो इवन व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल ही नहीं चाहा, पर जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैं थोड़ा सा लेट गई थी आज क्योंकि सुबह से तबीयत जो है ना वो बहुत डाउन हो रही थी। क्या लेकर आए हो? कैचअप लो। हाँ मैं भी आ रही हूँ बेटा, अकेले अकेले ना खाना जी। तो चाय आ गई है और आयल साहब को जो है पता नहीं है कि चाय जो है ना वो गर्म हो रही है, ठीक है। फिलहाल चाय पीते हैं और ये जो है ना मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, हम लोगों की तरफ बड़े मज़े के जो है वो फ्राइज़ मिलते हैं और ये जो फ्राइज़ होते हैं बहुत मज़े के बनाता है ये बंदा। ये जो है ना मेरा फेवरेट ड्रामा है और मैं ये ड्रामा ज़रूर देखती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। हर वेडनेसडे को आता है ये आरवाई पे रात 8 बजे, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। फैसल कुरैशी के ड्रामों में ना एक रियलिटी होती है, जिसे कहना चाहिए ना कि वो नकल, ऐसा लगता है कि एक्टिंग कर रहा है तो बिल्कुल रियल कर रहा है ना। फैसल कुरैशी की जो एक्टिंग होती है वो बड़ी कोई कमाल की होती है और इतनी एज हो गई उस बंदे की और उम्र पता ही नहीं चल। तो आज भी अम्मी ने जो है वो सवैयों का ज़रदा बनाया था तो वो भेजा है। और ये क्या है? ये अम्मी ने भेजी है कबूली, चने की दाल की जो कबूली होती है। और मैंने जो है ना वो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग धुआं निकल रहा है, मैंने बनाई है मिक्स सब्ज़ी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े से आइटम्स जो हैं वो मिक्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं। इसमें गाजर नहीं है, इसमें मटर नहीं है, बाकी इसमें चीज़ें हैं जो जो फ्रिज में पड़ी हुई थी सब्ज़ी, मैंने उसकी बना ली, ठीक है जी। तो खाना वाना खा लिया था और खाना वाना खाने के बाद जो है ना एक थकन सी हो जाती है और जिसे कहना चाहिए बस सारे काम से फारिग होके बस दिल चाहता है बंदा थोड़ा सा या तो टीका लगा के जो है आंखें बंद करके थोड़ा सा बैठ जाए। तो मैं समझ रहे हो, मैंने ये सोचा कि आज हम एक काम करते हैं, बस जस्ट अभी डिनर को जो है मैंने फिनिश किया था, आज मैं तकरीबन किचन में काफ़ी देर तक रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो ऑयली हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ये जो हिस्सा है ना ये थोड़ा सा मेरा डार्क हो रहा है ना। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना मैं आप लोगों को एक होममेड स्क्रब बनाना सिखाऊं और अप्लाई करना भी सिखाऊं और फिर मैं उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊं ना कि कैसा उसका रिज़ल्ट आता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और वैसे तो आप एक हफ़्ता रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमने क्या करना है कि नेक्स्ट वीक में जो है ना वो उसको एक दिन छोड़ के हमने इस्तेमाल करना है। तो मैं अभी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं अपने फेस पे अप्लाई करके फिर मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो आएँ पहले तो मैं आपको ना इसके इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ कि इसमें यूज़ क्या क्या होगा। और कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके घर में मौजूद है। अब एक चीज़ जो है ना वो तो मेरे गार्डन में लगी हुई है, मेरे गार्डन में मौजूद है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में है नहीं, वैसे मोस्टली लेडीज़ ने जो है वो घर में उसका प्लांट लगाया हुआ होता है। तो आए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ है और उस चीज़ से जो है ना वो हमारा स्क्रब रेडी होगा। हाँ जी, तो ये देखिए भाई मेरे पास जो है ना ये मैं ताज़ा ताज़ा अभी तोड़ के लेकर आई थी अपने गार्डन से, ये आप लोग देख सकते हैं, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ये है भाई एलोवेरा। देखें यहाँ से हमेशा पता लगता है कि कितना फ्रेश है और जिसे कहना चाहिए ना कि ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एलोवेरा का जो है ना अभी समझ लें कि ताज़ा ताज़ा जो होता है ना कोपल, ये देखें इतना ख़तरनाक जेल है इसका कि इसमें से अभी मेरी उंगली आप देख रहे होंगे, ये देखें
कैसे कैसे इसमें से निकलना स्टार्ट हो गया। अभी हल्का सा मैंने इसमें कट मारा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को पूरा ना इसको पील ऑफ करके दिखाऊंगी कि किस तरह ये होता है। बहरहाल इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी मैं आप लोगों को बताऊँ। ये पूरी एक स्ट्रिप है एलोवेरा की, ठीक है। इसमें से आप ले लें कि जो है आपने जैसे कहना चाहिए कि तकरीबन ले लें, आधा ले लें, ठीक है, क्योंकि आपने तकरीबन वन डे का ही स्क्रब बनाना है ना। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है मैंने बताया था ना कि ये हाफ टी स्पून हमने कोकोनट ऑयल लेना, ठीक है, और देन ये इसमें आपने मिलानी है। देखिए इस तरह से ना, ये मोटी वाली शक्कर चाहिए हमें, ठीक है। मोटी वाली होगी ना तो इससे स्क्रब बड़ा अच्छा होगा। और इसको हम अच्छी तरह ना चमचे से जो है ना अपने इस बाउल में निकाल के ना इस एलोवेरा के जार, हम एलोवेरा के जेल के साथ ना इसको अच्छी तरह ना हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और देन फिर इस तरह से जो है ना हमने इस तरह से अपने इस तरह से फेस पे जो है ना इसको अच्छे तरीके से ना अप्लाई करना है। थोड़ा सा मैसी होगा, ये गिरेगा, लेकिन इसमें फिर आपको ये करना है कि थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया, कपड़े वगैरह आपके गंदे लेना हो। बहरहाल जो है स्टार्ट करते हैं फिर अपना मास्क बनाने। अम्मी बहुत एक्सपर्ट है निकालने में, पूरी मुझे निकाल के देती हैं, तो मैंने सोचा कि आज निकाल लूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना मैंने निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा और लेंगे, जितना है ले लेते हैं, ये तो जितना लिया जाए उतना कम है, इसके तो फायदे इतने हैं। जो है ना ये इतनी चीनी हम डालेंगे, ठीक है, ये तकरीबन हाफ टी स्पून। तो ये हमने चीनी डाल ली और इसमें जो है हम ऑयल लेंगे, ये तकरीबन आधी चमची ऑयल, ठीक है, ये हमने इसमें डाल लिया। थोड़ा सा और ले लें, ठीक है। एंड देन अब हमने डाल के इसको जो है वो अच्छी तरह ऐसे फेंक दिया, तो मैंने अपने फेस को थोड़ा सा क्लींजर कर लिया था, यानी क्लींजिंग, यानी आप डायरेक्ट इस पर अपने फेस पे जो है वो चक्का भी मार सकते हैं पानी का जाके। अच्छा भाई, बार बार मैंने ज़रा कस के बांधनी है क्योंकि बालों में भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें तो चीनी मिली हुई है ना, वो बालों में लग गई ना, तो समझ लें रात से छुट्टियाँ काटेंगी आपको। मे बी आप इसको लेके, अभी मौसम तो ऐसा नहीं है, आप शावर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो मास्क लगाने के बाद जब अपना फेस वॉश करूँगी दैन तक मैं शावर ही लूँगी। वैसे तो मैं सुबह से चौथी बार नहा चुकी हूँ यार, आज इतनी गर्मी थी शरीर वाली, तो इससे कहना चाहिए ये लाइक इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा बहरहाल इसको जो है ना, इसको जो है ना इस तरह से आपने हाथ से लेके, चीनी मेरी पूरी डिजॉल्व हो गई है, ठीक है, ये मैं इसको स्पून रिमूव कर देती हूँ। और इसको फेस पे अप्लाई करने के बाद ऐसे ऐसे एक बार मैंने इसका जो येलो एक्सट्रैक्ट होता है वो नहीं निकाला है, इसलिए आपने सिर्फ चुपचाप अपने फेस पे लगाते रहना है। और जैसे कहना चाहिए, कोशिश करिएगा मुंह के अंदर ना जाए, वरना 40 वोल्ट का झटका लगेगा, ये इतना क्यों वो होता है। बहरहाल मैं अप्लाई करती हूँ एंड देन फिर मैं इसको जैसे ही मसाज करूँगी अपने फेस पे। पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि उनके रिंकल्स और लाइंस वगैरह, फेस लाइंस, ये थोड़ी देर बाद आती हैं अपने अपने एज के हिसाब से आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे फेस पे अभी तक कोई लाइन आ रही है। अच्छा ये जो बच गया है ना, ये आप नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में आप हल्का सा, जो पतला सा जो शॉप नहीं होता, यानी जो वाइट वाली जो थैली होती है, उसको आप रैप करके, ताकि इसके अंदर फ्रिज की कोई स्मेल ना आए। अभी जो है ना इसमें से सिर्फ एलोवेरा का स्मेल आ रही है, यानी एलोवेरा की स्मेल आ रही है, और जो इसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला है ना उसकी आ रही है। ये जो है अब मैं इसको मसाज करती रहूँगी, ठीक है। यानी जो आपकी जो नेक की जो लाइंस होती हैं वो भी आपकी डार्क हो जाती हैं, तो आप इसको अपने इस तरह नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपको ऐसे करके, और अब जो है ना मैं सही वाली जो है ना, मेरा हाथ पूरा दुख गया है ना,
तो ये आपके देखें फेस पे जो है पूरा अच्छे तरीके से मैंने लगा लिया। हाँ जी, तो अब आ गई है इसको जो है अपना क्या कहते हैं यानी अपने फेस को क्लीन करने की। तो आइए इसको क्लीन करते हैं, आपके सामने ही कर रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को रिजल्ट पता लगे। हाँ जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस, मुझे तो खैर बहुत फ़र्क लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चीक्स जो है ना थोड़े से शाइन कर रहे हैं। तो ये मैंने गर्दन पे भी लगाया था, गर्दन तो खैर मेरी इतनी डार्क नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया है कुछ बच्चियों की जो स्कूल गोइंग होती हैं कॉलेज गोइंग होती हैं उनकी जो है ना वो नेक डार्क हो जाती है, पीछे से भी होती है, मेरी पीछे से भी नहीं है इतनी, देखिए मेरी पीछे से भी इतनी डार्क नहीं है, अल्लाह का करम है। थोड़े डीप गले जो पहनती हैं तो उनके भी हो जाते हैं, जैसे पीछे से गले खुले हुए होते हैं ना उस पर भी सन टैग आ जाता है ना। तो खैर बहरहाल ये जो है ना मैंने अपना कर लिया फेस एंड देन आप लोग देख सकते हैं, दिखाऊं मैं करीब से, ये देखें डन। हाँ जी, तो फेस पूरा जो है वो साफ हो चुका है आप लोगों के सामने है और आप लोगों को लग भी रहा होगा, पता नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा, बहरहाल मुझे जो है वो पहले से ज़्यादा मुझे अपना जो फेस है आप लोग देख सकते हैं कि नहीं ये जो बच गया है, अच्छा ये जो थोड़ा सा बच गया है इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसके ऊपर जो है हल्का सा नया टिश्यू पेपर भी करके आप रख सकते हैं फ्रिज में और नेक्स्ट डे तकरीबन एक हफ्ते तक आप लोगों ने जो है वो इसको यूज़ करना है और इसका एक टाइम बना लें। मैं तो रात को सोने से पहले करूँगी इसको, बस अब जस्ट मैंने अपने बेड पर जाना है सोने के लिए तो मैं बस जस्ट इसको अपने फेस पर लगा के एंड देन मैंने इसको जो अपने स्पंज से साफ़ करके और हल्का सा मैं जाके चपका मारूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रात को छूटियाँ मैं वो कर रही हूँ ना, यानी मेरे लिप्स ना इतने मीठे हो रहे हैं क्योंकि इसमें शुगर ऐड हुई थी। बहरहाल इसको आप फ्रिज में रखें और एक हफ्ते तक आपने मुसलसल इसको एक टाइम में तकरीबन नाइट में आप इसको यूज़ कर लें और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में आप इसको एक दिन छोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है और जो आपके डार्क स्पॉट आ जाते हैं जिस तरह से ये आपके एक्नी के निशान होते हैं, मेरे एक्नी वाला फेस है तो मैं उस पर लगा लेती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहले बहुत ज़्यादा एक्नी थी लेकिन अब मेरे इतनी एक्नी नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि मैं पानी वगैरह और जो मेरा डिटॉक्स वाटर है वो मेरा रोज़ाना मैं अपनी एक बॉटल ख़त्म करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस दफ़ा ईद पर ही मैंने कोई फेशियल नहीं लिया, तो मैंने जो भी किया था अपने घर में किया था और ईद जो है वो रमज़ानों के बाद ऐसी होती है इतनी मसरूफ़ होती है कि टाइम नहीं निकलता, मेहंदी लगवा ली वही बहुत बड़ी बात है। खैर आज के जो व्लॉग को जो है मैं करती हूँ एंड, बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कांडी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।